कोरोना वायरस पर दुनिया भर में जहां रिसर्च चल रही है, तो वहीं भारत भी इस ओर तेजी से कदम बढ़ा रहा है। ये जानना बेहद जरूरी है, क्या कोरोना चीन के वुहान से ही दुनिया भर में फैला या किसी और देश के चमगादड़ों से भी फैल सकता है। इसी सवाल का जवाब भारत के वैज्ञानिकों ने भी ढूंढ लिया है। रिपोर्ट देखिए। कोरोना वायरस महामारी ने विश्व को अपनी चपेट में ले लिया है। इसके बीच भारतीय अनुसंधानकर्ताओं को केरल, हिमाचल प्रदेश, पुडुचेरी और तमिलनाडु में चमगादड़ों की दो प्रजातियों में अलग तरह के कोरोना वायरस यानी कि बैट कोरोना वायरस बैट कोव की मौजूदगी मिली है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद यानी ICMR का ये अध्ययन इंडियन जर्नल ऑफ मेडिकल रिसर्च में प्रकाशित हुआ है। पुणे में राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान यानी कि NIV में वैज्ञानिक और इस अध्ययन की मुख्य लेखिका डॉक्टर प्रज्ञा डी यादव ने कहा कि इस बात का कोई साक्ष्य या शोध नहीं है जो ये दावा करता हो कि ये बैट कोरोना वायरस मनुष्यों में बीमारी का कारण बन सकते हैं। केरल, हिमाचल प्रदेश, पुडुचेरी और तमिलनाडु के रोजेतुस और टेरोपस प्रजाति के 25 चमगादड़ केरल, हिमाचल प्रदेश, पुडुचेरी और तमिलनाडु में बैट कोव पॉजिटिव पाए गए हैं। लेखिका डॉक्टर यादव ने कहा, इन बैट कोरोना वायरस का COVID-19 महामारी से कोई संबंध नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा कि टेरोपस प्रजाति के चमगादड़ों में 2018 और 19 में केरल में निपाह वायरस मिला था। इस अध्ययन के मुताबिक माना जाता है कि चमगादड़ों में प्राकृतिक रूप से कई वायरस होते हैं, जिनमें से कुछ में मनुष्य को बीमार करने की आशंका होती है। भारत में टेरोपस प्रजाति के चमगादड़ों में पहले निपाह वायरस मिला था। ऐसी आशंका है कि हाल में सामने आया संक्रमण COVID-19 का संबंध भी चमगादड़ों से है। इस अध्ययन का शीर्षक भारत के विभिन्न हिस्सों के टेरोपस और रोजेतुस प्रजाति के चमगादड़ों में कोरोना वायरस का पता लगाना है। DB Live की रिपोर्ट।